हमें जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है इज अ वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल द सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री ऑफ एक्स क्यूब एंड अप टू द सी एन एक्स की पावर एन। एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसमें अगर आपको मेरा सिंपल सा कहना है, सपोज द सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू द सी एन का वैल्यू चाहिए, तो दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। सी नॉट सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन तक का सम सिंपली एक्स को वन पुट कर देने पे टू की पावर एन के बराबर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट, सपोज आपको वैल्यू चाहिए सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सी सिक्स एंड सी ऑन, मतलब इवन एंड इवन है तो लास्ट जितने तक जा रहे हैं वो कंप्लीट इस सीक्वेंस में जितने टर्म आ रहे हैं वो सबकी वैल्यू चाहिए। तो चूंकि आपको ऐसे सोचना है कि आपको इसमें कितने टर्म मिसिंग करने हैं इस सीक्वेंस में, वन वन, उससे एक हायर, यानी कि एक हायर यहां पे एक मिस करना था तो एक हायर क्या हो जाएगा, सेकंड। आप इस इक्वेशन में या इस आइडेंटिटी में द सेकंड रूट ऑफ यूनिटी का यूज करोगे। द सेकंड रूट ऑफ यूनिटी यानी कि सिंपल जेड इज इक्वल प्लस वन एंड माइनस वन। तो एक बार इस सीक्वेंस में प्लस वन और एक बार माइनस वन पुट करोगे तो यहां पर आप और दोनों कॉलम को सिंपल जोड़ दोगे तो यही आपको इसकी ट्वाइस ऑफ वैल्यू मिल जाएगी। और सी वन सी टू ये कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते थे कि प्लस वन और क्या रख देने पे, माइनस वन रख देने पर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन था और आपको इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी थी और ये आपका पूरा इस तरह से जा रहा है, तो जब आप वन पुट करोगे तो टू की पावर एन, जब आप माइनस वन करोगे तो जीरो। तो द सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सी सिक्स अप टू डैश तक की वैल्यू द टू की पावर एन माइनस वन। तो दिस विल बी द सेकेंड आपका यहां पर आंसर हो गया। द थर्ड इज, सपोज आपको मैंने कहा कि द सी नॉट माइनस सी टू प्लस सी फोर माइनस सी सिक्स प्लस सी एट एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू चाहिए। मिसिंग आपको उस एक्सपेंशन में एक एक टर्म ही करना है। क्या करना है, एक एक टर्म ही आपको मिस करना है, लेकिन अल्टरनेटिव साइन के साथ मिस करना है। तो उससे एक हायर कितना मिस करना अपने आप से पूछोगे, एक, उससे एक हायर यानी कि सेकंड। लेकिन इस बार हम सेकंड रूट ऑफ माइनस वन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेकंड रूट ऑफ माइनस वन। जेड स्क्वायर माइनस वन तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस का आयोटा। अब देखो इसको यूज करने पे ये कैसे फ्रेम होगा। आपके पास ये आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पूरे में एक बार आपने आयोटा छापा तो वन प्लस आयोटा की पावर एन इज इक्वल द सी जीरो प्लस सी वन का आयोटा माइनस सी टू का आयोटा इज अ माइनस माइनस का वन द सी थ्री का आयोटा इज अ प्लस का सी फोर एंड सो ऑन। ऐसे ही टर्म्स आपको मिलेगा अगर आप आयोटा की वैल्यू छाप देते हो और आप यहां पे वन माइनस आयोटा की पावर एन की बात करते हो तो आपको सी नॉट माइनस का सी वन आयोटा माइनस का सी टू प्लस का सी थ्री आयोटा प्लस का सी फोर एंड सो ऑन ऐसे मिलेंगे। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ सी नॉट माइनस सी टू प्लस सी फोर
minus C6 and dash so on is equal the 1 plus iota ki power n 1 minus iota ki power n. This is equal the root 2 e ki power iota ka n pi by 4 root 2 e ki power minus iota ka n pi by 4. So this is equal the 2 root 2 into cos ka is a simple n pi by 4. इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल द सिंपल आंसर इज रूट 2 की पावर एक n छूट गया बच्चे पावर n इसका छूट गया था तो रूट 2 की पावर n इनटू कॉस का n पाई बाय 4 तो 2 से 2 मर गया. तो इस टाइप से अगर एक एक मिस करना था अल्टरनेटिव साइन के साथ तो ये आपने तरीका यहां पर सिंपली अप्लाई किया है. इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज आपको द C0 प्लस C3 माइनस C6 प्लस C9 यानी कि अप टू n तक जितने भी ऐसे 3-3 के मल्टीपल ऑफ द कोफिशिएंट्स हैं उस पूरे का सम चाहिए. C0 प्लस C3 प्लस C6 एंड सो ऑन, अगर आपको पूरे का यहाँ पे सम चाहिए तो कितने मिस करने हैं, दो दो मिस करने हैं, उससे एक हायर यानी कि थर्ड रूट ऑफ यूनिटी क्योंकि सारे कोफिशिएंट प्लस में लिखे हैं और इसके जो रूट हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है. ओमेगा इज सिंपली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. और जब आप इन तीन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय C0 C3 C6 C9 एंड सो ऑन यही मिलेगा. तो दिस इज इक्वल तो 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा की पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n. दिस इज इक्वल द 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा इज सिंपली माइनस का ओमेगा स्क्वायर. तो माइनस की 1 की पावर n एंड यहां पर आप मेरे से बोल सकते हो कि इज अ प्लस माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर n. बोलो बच्चे, प्लस माइनस के ओमेगा की पावर n. तो दिस इज इक्वल द 2 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n कॉमन ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n. और सिंप्लीफाइड करोगे तो ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n अगर n इज 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 2 कहलाएगी. अगर n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है तो 1 की पावर n प्लस दिस का सम हमेशा 0 होगा. तो इसकी वैल्यू सिंपली यहां पर कितनी आएगी, माइनस का 1 होगी. तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के करस्पॉन्डिंग हम यहां पर आंसर दे सकते हैं. तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 के ये 3 रूट होंगे और n एक पर्टिकुलर होता तो ये फिक्स होता चला जाता और इसका आंसर हमें मिल जाएगा. तो C0 प्लस C3 प्लस C6 अप टू C9 तक का अगर इस तरीके का सम चाहिए तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट सिंपली कर सकते हो. ये बात तय है कि उधर 3 टाइम्स ऑफ C0 C3 C6 ऐसा ही बनेगा. द फोर्थ प्रॉब्लम इज द फिफ्थ इज अगर आपको यहां पे सिंपली C1 प्लस C4 प्लस C7
सी टेन ऐसा कुछ चाहिए। तो इस बार चूंकि आप अपने आपसे पूछा कि कितना मिसिंग करना है, तो जवाब मिला इज अ सी टू सी थ्री, यानी कि दो दो मिस करना है। एक हाइयर यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ही यूज होगा क्योंकि बीच में प्लस 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 है। लेकिन सी वन को अगर सेव करना है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहां पर ये ऐड होने पे बच जाए तो इसका एक्स का पावर थ्री का मल्टीपल होना चाहिए। इसके लिए इस पूरे इक्वेशन को तुमने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पसंद करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल द सी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स क्यूब प्लस सी टू एक्स की पावर फाइव प्लस सी थ्री सी टू एक्स की पावर फोर प्लस सी थ्री एक्स की पावर फाइव एंड सो ऑन, ऐसा है। और आप इस रिलेशन में वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट को पुट करोगे तो केवल यहां पे द थ्री मल्टीप्लाइड बाई सी वन प्लस सी फोर प्लस सी सेवन वही टर्म बचेगा जिसका सम आपको चाहिए। और यहां पे वन पुट करोगे तो ये टू की पावर एन, इस ओमेगा पुट करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर एन इज अ प्लस, यहां पे आप ओमेगा स्क्वायर रखोगे ओमेगा की पावर फोर तो ओमेगा बचेगा और दिस इज माइनस का ओमेगा की पावर एन इज अ टू की पावर एन प्लस माइनस वन की पावर एन, कॉमन निकाल दिया मैंने, इज अ ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा ओमेगा टू मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस वन। तो यहां पर यही कंडीशन एन प्लस वन के लिए हो जाएगी कि जब एन प्लस वन थ्री का मल्टीपल है, एन प्लस वन जब थ्री का क्या है बच्चों मल्टीपल है। या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको एक और तरीका है कि ये एक सम आपका प्योरली रियल होगा। ओमेगा को आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू e की पावर आयोटा माइनस का 2 पाई बाई 3, तो दिस सम इज इक्वल द 2 cos ऑफ n प्लस 1 का 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, आया समझे, प्लस अलग से 2 की पावर n अपनी जगह पे रहेगा, प्लस माइनस 1 की पावर n मल्टीप्लाई में इसके साथ रहेगा। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये इसका सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा आंसर होगा, ये सिंपली यहां पर इसका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक। नेक्स्ट इज, अगर मैंने आपसे कहा कॉन्सेप्ट वही है बार बार एक ही चीज रिपीट होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में चाहिए इस सी वन या सी वन माइनस का फोर सी टू इस अब माइनस का 4c2 प्लस 7c7 माइनस का 10c10 प्लस दिस ऑन, इस पूरे का सम आपको यहां पर रिक्वायर्ड है, इस पूरे का सम आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट ये लाने का तरीका डेरिवेटिव मेथड होगा, ये बात क्लियर है सभी को। तो मैंने सबसे पहले इसको इस आइडेंटिटी को x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो n इंटू वन प्लस x की पावर n माइनस वन द c1 प्लस द 2c2x द 3c3x स्क्वायर प्लस 4c4x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा।
ये सेफ फोर है, आपको ये सेव करना है, फिर उसके बाद ये कोफिशेंट सेव करना है, दो दो इस सीक्वेंस में मिस करना है, अल्टरनेटिव साइन चाहिए, तो आप यहां पर जेड क्यूब इज इक्वेट विथ -1। तो अगर आप इसको बोल सकते हो कि ये माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, तो माइनस जेड के तीन रूट हो गए ये तीनों, तो जेड के तीन रूट हो गए -1 माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। डन सभी को अच्छे से, ये तीनों पुट करोगे ऐड करोगे तो 3 टाइम्स ओवर C1 माइनस 4C4 प्लस 7C7 ऐसा ही आपको मिलेगा, ये तय है। इस इक्वेट विथ, जब माइनस वन पुट करोगे तो 0 इज द एन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ओमेगा की पावर एन माइनस 1 प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर एन माइनस 1। ये बात सही है कि 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा, 1 माइनस ओमेगा अगर मैं लिखता हूं कॉस का 2 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन का 2 पाई बाई 3, इसको लिखता हूं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इज अ साइन का 2 पाई बाई 3। दिस इज इक्वेट विथ, मैं लिखता हूं माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का आयोटा 2 कॉमन, साइन पाई बाई 3 कॉमन। अंडरस्टैंड सभी को, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चे का, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो एन अपनी जगह पे रहेगा, इसका अपन लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा, बोले बच्चे इज सिंपली 2 पाई बाई इस, या तो आयोटा को भी अगर अंदर ले ले, आयोटा भी रहने दो, तो दिस इज इक्वलेंट टू द माइनस का 2 आयोटा साइन पाई बाई 3, तो इज अ साइन 60 रूट 3 बाई 2, तो दिस इज माइनस का रूट 3 आयोटा, बोले ई की पावर आयोटा पाई बाई 3, माइनस आयोटा यानी कि ई की पावर माइनस का पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 का आयोटा, और सॉल्व किया तो ई की पावर इज अ माइनस का पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप इसको और सी के कॉन्जुगेट को वहां पे रख के ऐड करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ एस इज इक्वेट विथ एन मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, एक छूट गया है बच्चों, इज अ 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 की पावर एन माइनस 1 इंटू कॉस ओवर इज एन माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाई 6। समझ में आ रहा सभी को? तो इस टाइप में अगर आपको इस सीक्वेंस का सम चाहिए होता था तो मिसिंग करने में हम nth रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि इस nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए अपन इस तरह से इसका यूज करके इस बाइनोमियल सीक्वेंस का सम निकालते हैं। यहां पर एक बात मैं सबसे पहले, ये अल्टरनेटिव साइन वाली जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से आप फील करोगे, जब आप nth रूट ऑफ माइनस 1 की बात करोगे तो आप यहां पे कांस्टेंट बनाओगे जेड की पावर एन बराबर -1, इसको आप लिखोगे 2k+1 का पाई, आप इसको लिखोगे
इज अ 2k प्लस 1k पाई अपॉन n के फॉर्म में जेड की इस वैल्यू को, जहां पे आप k को चूज करोगे इज अ 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1 तक। जब इस रूट की अगर आप इज अ इस रूट के पावर्स इज अ कुछ भी जो रूट्स आ रहे हैं, पहला रूट आपका e की पावर आयोटा पाई बाई एन, e की पावर आयोटा 3 पाई बाई एन, e की पावर आयोटा 5 पाई बाई एन, e की पावर आयोटा इज अ सिंपली इज अ 2n माइनस 2 यानी कि 2n माइनस 1 पाई बाई एन। ये सारे इसके रूट है बच्चे, ये सभी इसके सिंपली रूट है। बोले तो अगर आप इन सभी रूट्स की पावर समथिंग इज अ एम सपोज करके ऐड करते हो तो यहां पर आपको इस तरह से पावर एम लेकर अगर ऐड करते हो, सम ऑफ द रूट तो पक्का आपका जीरो होगा, लेकिन पावर एम अगर यूज करते हो तो आप यहां पे कहते हो कि इफ एम आपका इज नॉन मल्टीपल ऑफ एन, अगर आपका सही में क्या है बच्चे फिर से दिख लेना अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इफ एम इज नॉन मल्टीपल ऑफ एन है, जो पावर सभी पे रख के ऐड कर रहे हो वो अगर नॉन मल्टीपल ऑफ एन है तो इस पूरे का सम हमेशा जीरो होगा। इफ एन इज इवन मल्टीपल ऑफ एन है तो उस केस में इसकी वैल्यू, भाई इवन है तो ये सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी, इसके ये कोरेस्पॉन्डिंग इसके ये कोरेस्पॉन्डिंग। इफ एम इज सिंपली ऑड मल्टीपल ऑफ एन है तो इस पूरे की वैल्यू माइनस एन हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू सिंपली यहां पर किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, माइनस एन के बराबर हो जाएगी। जीरो वाली कहानी आप जीपी के सम से निकालते हो, अगर ऑड रखोगे तो ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बनेंगे, अगर आपने फाइव पाई रखा तो ऑड पाई पे सबकी वैल्यू माइनस वन तो सम की वैल्यू माइनस एन। तो वही रीजन था कि अल्टरनेटिव साइन के लिए हम nth रूट ऑफ माइनस वन का यहां पर सिंपली यूज करते हैं। क्लियर सभी को यहां तक अच्छे से?